18 मई 2023 को धुलिया शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धुलिया महानगर पालिका पर एक जबरदस्त मोर्चा लेकर गए और अधिकारियों को कहा कि धुलिया महानगर पालिका के खराब नियोजन की वजह से पूरे शहर में पानी की बहुत परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर की आवाम परेशान है। धुलिया शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से कहा कि पूरे शहर में पानी रोजाना दिया जाए, वरना हम अंडा मोर्चा लेकर महानगर पालिका पर आएंगे और बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत राजे भोसले ने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी ने रोजाना पानी देने का वादा किया था, मगर 4.5 साल गुजर जाने के बाद भी 12 से 15 दिनों में पानी आ रहा है और महाराष्ट्र सरकार से पानी के लिए आने वाली नीति का भी हिसाब मांगा है। आंदोलन के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद। ढिसाळ कारभार आणि शून्य नियोजनामुळे आज धुळेकर जनता पाण्यासाठी तरसते आहे। आम्हाला या ठिकाणी सांगायचं आहे की 2018 साली भाजपने आणि यांनी जाहीर केलं होतं की आम्ही 1 दिवसाला पाणी देऊ, पण 2018 ते 2023 जवळपास 4.5 वर्ष या ठिकाणी धुळेकर जनतेची फसवणूक भाजप प्रशासनाने केलेली आहे। आमचा प्रश्न आहे यांना की 2019 पासून आजपर्यंत महाविकास आघाडी सरकारने पाण्यासाठी शेकडो करोडो रुपये पाण्याच्या योजनेसाठी महानगरपालिकेला दिले, त्याचं काय झालं, त्याचा हिशोब आणि ते काम कुठपर्यंत आलं ते सांगण्याची जबाबदारी या मनपा प्रशासनाची आहे। आमची या ठिकाणी मागणी आहे की धुळेकर जनतेला 1 दिवसाळ पाणी मिळायला पाहिजे। जर 8 दिवसांमध्ये पाण्याचा प्रश्न या ठिकाणी निभवला नाही, या निकाली काढला नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अंडा मोर्चा आणून या धुळे महानगरपालिकेवर तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करेल, असा या ठिकाणी आम्ही इशारा देतो।